हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आज का टॉपिक है दोस्त फ्रांसिस टरबाइन। पिछले वीडियो में हमने आपको हाइड्रो टरबाइन के अंतर्गत पेल्टन टरबाइन को डिटेल में बताया था। आज मैं यहाँ पर आपको फ्रांसिस टरबाइन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कैसे वर्क करता है ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आइए वीडियो को देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। दोस्तों, ये है फ्रांसिस टरबाइन। देखिए, फ्रांसिस टरबाइन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, फ्रांसिस टरबाइन जो आपका होता है वो रिएक्शन टरबाइन के अंतर्गत होता है। अर्थात अगर हम बात करें, हमने आपको ये बताया था कि जो आपका हाइड्रो टरबाइन है वो आपके पहले टू टाइप उसके भाग होते हैं। एक आपका क्या होता है, इम्पल्स टरबाइन, दूसरा आपका होता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन क्या होता है, इम्पल्स के अंतर्गत पेल्टन व्हील टरबाइन होता है, और जो आपका इम्पल्स के अंतर्गत आपका पेल्टन व्हील होता है, और जो रिएक्शन टरबाइन है उसके अंतर्गत फ्रांसिस और कपलान है। और आज का टॉपिक है फ्रांसिस टरबाइन। नेक्स्ट वीडियो में आपको कपलान टरबाइन बताया जाएगा। देखिए, मैंने कुछ डेटा बेस भी इस साइड में लिखा हुआ है और ये टर्बाइन का मैंने यहाँ पर फिगर को बनाया है। तो यहाँ पर आप आइए, इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है, कैसे वर्क कर रहा है, इसको समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि हेड जो आपका होता है वो 30 मीटर से 300 मीटर। हमने आपको बताया भी था कि आपका ये जो आपका होता है, क्या बोलते हैं, फ्रांसिस टरबाइन। देखिए, हमने ये चीज़ आपको बताया था कि जो आपका सबसे ज़्यादा अगर हेड की बात करें तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि जो कपलान टरबाइन होता है वो 5 मीटर से 30 मीटर के मध्य काम करता है। ओके, फिर आपका ये क्या होता है, ये फ्रांसिस टरबाइन है। ये कैसा टरबाइन है, फ्रांसिस, ये 30 मीटर से 300 मीटर है। और 300 मीटर से ऊपर अगर हम हेड की बात करेंगे तो वो आपका कौन सा टरबाइन होता है, वो पेल्टन व्हील टरबाइन होता है। तो यहाँ पर 30 मीटर से 300 मीटर हेड किसका है, ये फ्रांसिस टरबाइन का होता है। क्या है ये हेड है जो आपका डैम स्थापित किया गया है उसकी बात की जा रही है। इसको आप कहते हैं मीडियम। ठीक है, मीडियम का मतलब क्या है दोस्त, कि हमने आपको 3 टाइप का हेड बताया था, एक लो हेड, एक मीडियम हेड और एक आपका क्या, हाई हेड। तो ये आपका लो हेड के लिए कौन वर्क करता है, लो हेड कपलान टरबाइन जो होता है वो लो हेड के लिए वर्क करता है। और लो हेड, ओके, जो डैम आपका स्थापित किया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसकी हाइट की बात की जा रही है। 30 मीटर से 300 मीटर मीडियम हेड होता है, ये होता है किसके लिए, फ्रांसिस टरबाइन के लिए। हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील टरबाइन यूज किया जाता है, जिसका जो हेड की हाइट होती है वो 300 मीटर से ऊपर होती है। तो पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हेड आपका 30 मीटर से 300 मीटर है। अगर मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, यहाँ पर ये जो आपका होता है फ्रांसिस टरबाइन, ये मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेडियल प्लस एक्सियल, रेडियल से इन करता है आपका वाटर फीड बोले, और एक्सियल से आपका आउट होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका यहाँ पर ये वाटर आ रहा है, अभी ये चीज़ मैं आपको मेंशन करूँगा। देखिए, पेल्टन व्हील टरबाइन में क्या हो रहा था कि आप देख रहे थे, वहाँ आप साइड से, अर्थात वहाँ पर एक्सियल हो रहा था, वहाँ पर आप देख रहे थे कि आपको इस प्रकार से साइड से, ये जब टेंजेंट से होता हो रहा था, टेंजेंट से साइड से आपका हो रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट आप क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में रेडियल प्लस एक्सियल दोनों होता है। आपका वाटर जो होता है रेडियल से इंटर करता है और एक्सियल से बाहर हो जाता है। ये चीज़ अभी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं। पहले देखिए, ये आपकी टरबाइन है, इसमें क्या क्या पार्ट्स है, पहले ये सुनिए। ये देखिए, ए आपका क्या लगा होता है, ये आपका पेनस्टोक से आता हुआ एक रास्ता है जहाँ से आपका वाटर आता है। ओके, पेनस्टोक से होते हुए ये रास्ता है जहाँ से आपका वाटर आता है, इससे वाटर आपका फीड होता है। इस पूरे पार्ट को ऊपर जो आवरण आप देख रहे हैं उसे कहते हैं स्पाइरल केसिंग। क्या कहते हैं, स्पाइरल केसिंग। केसिंग का क्या काम है, केसिंग का सिंपल सा काम है, यहाँ पर इसके ऊपर एक आवरण है जो इसको क्या करता है, सुरक्षित रखा है, अर्थात पूरा ढक कर रखा है। और इसी के अंतर्गत अपना टरबाइन जो है, ये आपका जिसे आप इम्पेलर कह रहे हैं, ये घूमता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्त, और एक मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आपका ये टरबाइन है और टोटली यहाँ पर क्लोज्ड होता है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो बाह्य प्रेशर से ज़्यादा होता है। इसके अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है, इसके अंदर का प्रेशर। ओके, अब यहाँ पर ये पूरा क्लोज होता है, वाटर इस प्रकार आप समझिए, ये वाटर आ रहा है और ये आपका ड्राफ्ट ट्यूब लगा है, इससे वाटर आपका बाहर निकल कर टेल रेस में चला जाता है। सुनिए, अब ये फीड, मतलब वाटर यहाँ से फीड होता है और ऐसे होते हुए इस प्रकार से ये मूव करता है, और मूव करने के बाद ये आपका आता है किस पे, इम्पेलर पे, और इम्पेलर को घूमता है। इम्पेलर घूमने के बाद, जैसे इम्पेलर आपका घूमता है, उसके बाद ये वाटर जो होता है वो एक्सियल,
ये रेडियल से इंटर किया और एक्सियल से, देखिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये आपका क्या होता है कि सामने से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने ये जो पाइप यहाँ पर मैंने लगाई है, ये इसके फ्रंट में पाइप लगी हुई है, समझ पा रहे हैं आप, इसके सामने पाइप लगी हुई है। अब 3D होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन ये 2D है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये सामने इसके पाइप लगी हुई है, सामने पाइप जैसे ही आपका घूमता है और ये पानी जब आपका मतलब ये यूज हो चुका वाटर, फिर उसके बाद जब निकलता है तो इसी के सामने पाइप लगी हुई है, उसी के रास्ते से बाहर चला जाता है और वही ये पाइप यहां पर लगी होती, लेकिन मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए बताया कि ये आपका यहां पर इसके सामने ये जॉइंट है और इसके पीछे आपका जनरेटर की शाफ्ट लगी है जो वो घूमता है। तो यहां पर क्या है कि ये घूमता है और वाटर जो है इससे बाहर निकल जाता है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। सुनिए, वाटर आया यहाँ पर, गाइड वेन, इसका जो साइड साइड ये लगा हुआ है ये गाइड वेन इसे कहते हैं, और ये बीच में जो है इसे इम्पेलर या फिर आप रनर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रनर। सुनिए, इसे कहते हैं गाइड वेन। गाइड वेन कहते क्या हूँ, यहाँ पर जो आती है इसमें जो आपकी होती है वो प्रेशर एनर्जी, पी या पोटेंशियल एनर्जी मत समझिएगा, यहाँ पर आपका PR लिख दे रहे हैं, प्रेशर एनर्जी प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है, ठीक है। इसके अंदर जब वाटर जो इंटर करता है, चूंकि हमने आपको बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक यहाँ पर अंदर का प्रेशर होता है, तो कैसे होता है, तो जो वाटर आता वही प्रेशर बनाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, आपके फीड वाटर जो फीड कर रहे हैं वो तेजी के साथ नीचे आता है। और ये गाइड वेन नाम क्यों इसका पड़ा गाइड वेन, ये आपको सिंपल सा, ये इसको गाइड करता है, किसको, जो वाटर फीड हो रहा है उसको गाइड करता है कि आप भैया यहाँ पर इम्पेलर पर जाइए अर्थात रनर पर जाइए, जिससे रनर को आप घुमा पाएँ। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर सेट किए जाते हैं आपके गाइड वेन को, कि वाटर जैसे ही आता है ये गाइड वेन इनको अपने में एडजस्ट करते हैं और ये इसे क्या करते हैं, इम्पेलर की तरफ भेजने लगते हैं, अर्थात रनर की तरफ भेजने लगते हैं। और जैसे ही रनर की तरफ भेजते हैं तो रनर में भी सब खांचे बने होते हैं और उससे वाटर आपके टकराते हैं और धीरे 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 इसमें मूवमेंट क्या होने लगता है, इसमें मूवमेंट होने लगता है, इस प्रकार से ये आपका क्या होना है, घूमने लगता है। देखिए, होने का मतलब यहाँ पर ये समझिए, गाइड वेन का मतलब आप समझ चुके होंगे, गाइड वेन क्या कर रहा है कि वाटर जो फीड कर रहा है उसको, वाटर को गाइड करता है। देखिए, सिंपल सी बात है, आप टेंथ होते हैं या ट्वेल्थ में पढ़ रहे होते हैं तो कोई आपके भाई बंधु या आपके पास पड़ोसी आपको गाइड करते हैं कि आप टेंथ के बाद ये करिए, ट्वेल्थ के बाद ये करिए, तो आपके गाइड करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपका जो वाटर है, समझिए वाटर आप हैं और यहाँ पर आपके भाई बंधु पड़ोसी जी ये आपके गाइड है, गाइड वेन जो है वो हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं कि सक्सेस का पाथ यही है, अर्थात सफलता का रास्ता आपका यही है क्या, इम्पेलर। अगर आपको यहाँ पर जाना है तो इसके लिए आपको गाइड वेन से गुजरना पड़ेगा, तो इसलिए वाटर आता है और ये गाइड वेन से क्या होता है, गाइड वेन इनको क्या करता है, रनर पर भेज देता है, इम्पेलर पर भेज देता है, और ये यहाँ पर जैसे ही जाता है ये इसको घुमाने की कोशिश करता है, और ये जैसे इसमें मूवमेंट होता है तो ये मूवमेंट होता है तो ये आपकी सॉफ्ट जो लगी है इसके पीछे जो जनरेटर है वो उसको घुमाने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। अब बात यहाँ पर ये है कि जो आपका वाटर घूमने के बाद बचा वो कहां गया, तो मेरे दोस्त हमने आपको बताया कि इसके पीछे तो शाफ्ट जो लगा है उसको घुमाता है और इसके सामने एक पाइप लगी हुई है कि ये जो वाटर है इसमें इंटर करने के बाद जो बाहर आता है इसी पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है और वो पाइप हमने यहाँ पर एडजस्ट की है, ये पाइप के रास्ते से वाटर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये टेल रेस के बाहर से माध्यम निकल गया। पॉइंट यहाँ पर ये हमने लिखा, मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन रेडियल इन एक्सियल आउट, इसका मतलब क्या है, देखिए रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियल का मतलब क्या होता है ये समझिए, ये आपका है यहाँ से आपका इंटर करता है, इसे रेडियल बोलते हैं ना, इसे रेडियल बोलते हैं, आप साइड से जाएंगे तो इसे रेडियल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ये आपको समझाना चाह रहे थे, यहाँ पर हम आपको ये समझा रहे हैं कि वाटर जो है आपके गाइड वेन से यहाँ पर अंदर इंटर करता है, ये रेडियल से ही तो इंटर करेगा, इस प्रकार से अंदर इंटर करेगा, फिर इसको ये घुमाएगा और घुमाने के बाद ये आपके सामने की तरफ जो वाटर आ रहा है ये एक्सियल आउट हो गया। एक्सियल आउट मतलब वाटर साइड से आपके रेडियल से इंटर कर रहा है अंदर, और वाटर घुमाने के बाद इसमें मूवमेंट करने के बाद
देखिए प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, इसमें क्या होगा रिएक्शन होगा, ठीक है, मतलब इम्पल्स इसमें एक प्रकार का होता है, एक इम्पल्स इसमें उत्पन्न होगा और इम्पल्स के कारण इसमें रिएक्शन होगा, और रिएक्शन जैसे ही होगा इसको घूमने के लिए तुरंत मोमेंट इसमें जैसे ही होगा ये तुरंत इसको घुमाएगा और जो वाटर बचेगा वो सामने की तरफ से बाहर आएगा, और सामने तरफ से बाहर आने का मतलब एक्सियल आउट, रेडियल इन किसके माध्यम से, गाइड वेन के माध्यम से इंटर करता है और एक्सियल आउट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब जो आपका फीड वाटर है काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी यहां पर प्रेशर एनर्जी के साथ वाटर फीड करता है, गाइड वेन जो है वाटर को गाइड करके आपके इंपेलर रनर पर भेजता है और रनर को घुमाता है, रनर के पीछे आपका जो शाफ्ट जनरेटर है उसके शाफ्ट से आपका ये टरबाइन कनेक्ट है वो घूमता है, जिससे आपको पता है कि जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। और जो इसका वाटर जो घूमने के बाद बचा वो कहाँ गया, तो इसके सामने ही आपकी पाइप लगी हुई है जिसे कहते हैं आप ड्राफ्ट ट्यूब, अर्थात इसी के माध्यम से ये बाहर वाटर निकलता है और जिस रास्ते से बाहर जाता है वो आपका टेल रेस कहलाता था, टेल रेस के माध्यम से बाहर वाटर चला जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपने समझा होगा। स्पाइरल केसिंग मैंने आपको बता दिया कि इसका एक प्रकार का आवरण है। इस अच्छा स्पाइरल क्यों कह रहे हैं, सिंपल सी बात है दोस्त, अगर आप देखेंगे स्पाइरल ऐसे ही तो आपका बनता है, ठीक है, स्पाइरल ऐसे ही बनता है, इसीलिए नाम बस दे दिया गया चूंकि शेप वही है इसीलिए स्पाइरल केसिंग इसको कहते हैं, ओके, और कुछ नहीं, इसमें नाम पर मत जाइए, बस यहाँ पर इसकी बनावट के ऊपर इसको नाम दे दिया गया और केसिंग का काम तो है ही इसका आवरण, और पूर्ण रूप से ये ढका होता है ये चीज़, मैंने इधर पेनस्टॉक लगा होगा तो वो भी क्लोज होगा, इस साइड में आपकी टरबाइन आपकी ड्राफ्ट ट्यूब लगा है ये भी क्लोज है, तो यहाँ पर प्रेशर अंदर क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, ये बनाए रखा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओवरऑल एफिशिएंसी की, तो जो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है इस फ्रांसिस टरबाइन की वो 90-95 मतलब 90-95% इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, और मैंने आपको पेल्टन व्हील टरबाइन में बताया था उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो उसकी एफिशिएंसी हमने आपको बताया था 82 आपको हमने कितना बताया 85-90% 85-90% अर्थात इसकी 5% एक प्रकार से अधिक है, इसकी 90-95 है और पेल्टन व्हील की हमने 85-90 आपको बताया था, आपको पता होगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए एक पॉइंट को आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी इतना हो गया। पावर रेटिंग 750-800 मेगावाट, इसका मतलब यहाँ पर इस हाइड्रो टरबाइन जो आपका है ये फ्रांसिस टरबाइन, इसके माध्यम से आप 750 से 800 मेगावाट की बिजली यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, अर्थात इसकी क्षमता क्या है 750 से 800 मेगावाट तक बिजली इससे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो हमने ये पॉइंट ये लगाया कि इसमें हेड रेस जो है 30 मीटर से 300 मीटर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 30 मीटर से 300 मीटर है। अगर इससे नीचे बात करें तो आपको उसके नीचे होता है कपलान टरबाइन 5 मीटर से 30 मीटर, और उसके ऊपर जो हाई हेड होता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है आपका उसके लिए कौन था पेल्टन व्हील टरबाइन, जिसकी होती है 300 मीटर से ऊपर, हेड मतलब हाइट की हम बात कर रहे हैं, डैम की हाइट 30 मीटर से 300 मीटर हाइट की बात की जा रही है, ओके, वहां से वाटर जो पेल्टन जो आपके पेनस्टॉक के माध्यम से आ रहा है वो 30 मीटर से 300 मीटर जो आपका डैम स्थापित किया गया है वहां से वाटर आ रहा है, उस हम हाइट की बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन हमने बता दिया, रेडियल से इंटर कर रहा है और एक्सियल से बाहर आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपने सीखा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हो सकता है कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो यहाँ पर छूटा हो तो उसको भी आप बता सकते हैं, और पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। आज का वीडियो दोस्त यहीं तक, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।